सोलन के किसान हर चुनाव पर पिछले कई दशकों से केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर ठगे जा रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह, सभी ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के वादे तो किए और जीत भी हासिल की, लेकिन जीतने के बाद किसानों को किए वायदे हवा हवाई साबित हुए। यही कारण है कि सोलन का किसान बेहद हताश और परेशान है। सोलन के किसान हर चुनाव पर पिछले कई दशकों से केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर ठगे जा रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री मोदी हो या राजनाथ सिंह, सभी ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के वायदे तो किए और जीत भी हासिल की, लेकिन जीतने के बाद किसानों को किए वायदे हवा हवाई साबित हुए हैं। यही कारण है कि सोलन का किसान बेहद हताश और परेशान है। चुनाव आने पर कोई बड़ा तीसरा विकल्प न होने पर फिर से वही वायदे नेताओं को सुनने को मजबूर है। सोलन के किसानों का कहना है कि जो वायदे चुनावों के समय पर राजनीतिक दल किसानों से करते हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई दशकों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दल उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगता है तो सोलन के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और फसलों के दाम भी अच्छे मिल सकेंगे। जैसे कि सरकार हर इलेक्शन में फूड प्रोसेसिंग के झूठे वायदे करती है और उसके बाद इलेक्शन बीत जाने के बाद भूल जाती है, जिससे कि हम किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि इस बार बारिश में हमारा बहुत ही नुकसान हुआ। ये मंत्री वगैरह हैं, वायदे करते हैं और अपने वायदे भूल जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत परेशानी होती है। पिछले काफ़ी सालों से सरकार बोल रही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा हिमाचल में, लेकिन अभी तक नहीं खुल पाया है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये खुले, जिससे किसानों को अपनी फसल के अच्छे भाव मिले। अब पिछले 10-20 सालों से यही वादे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा, लेकिन नहीं खुल पा रहा है और हम किसानों को इससे बहुत नुकसान है। हम चाहते हैं कि हम किसानों को इस अच्छे दाम मिले फसलों के। अभी भी पीछे बारिश हुई, उससे हमें हमारी गेहूँ वगैरह को काफ़ी नुकसान हुआ और हम तो इस पे ही डिपेंड करते हैं, फसलों पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमसे झूठे वादे ना किए जाएं और जो आप वादे करते हैं उसे पूरे किए जाए। सरकार ने मतलब इनके वादा किया था कि मतलब इनके कोई कंपनी खोल के देंगे ताकि हमारे को अच्छे मतलब दाम मिल जाए, जूस वगैरह मतलब इनके सॉस वगैरह मतलब बनाने के लिए, मतलब इनके हमारे छोटा मोटा मतलब व्यापार भी हो जाना था, ठीक है ना। सरकार ने वो भी नहीं किया, वायदे तो करती है मगर निभाते नहीं हैं। अब क्या करें, गरीब तो मतलब ऐसे ही मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। अब चलो अमीर तो खा ही लेते हैं, मतलब यानी किसान तो मतलब यानी कि बड़ा मुश्किल हो गया इस हिसाब से। तो हम तो ऐसे ही मारे जा रहे हैं, मतलब रात दिन मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, हाँ जी, सही दाम मिलता ही नहीं है तो किसान कहाँ जाएंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एस टू डे के साथ। नमस्कार।